सिटी इंडिया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक रमजान से पहले गाजा में युद्ध विराम के लिए हमास ने इसराइल के सामने बड़ी शर्त रख दी। इसराइल और हमास के बीच रमजान में सीज फायर के लिए 3 दिनों तक बैठक हुई, लेकिन बैठक में युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन सकी। और अल जजीरा के मुताबिक हमास ने तो इसराइल के सामने गाजा से पूरी तरह सेना हटा लेने की शर्त रख दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक समझौते के लिए हुई बैठक के दौरान हमास ने इसराइल से दो टूक कहा कि वो उसके 134 बंधकों को तभी छोड़ेगा जब नेतन्याहू अपनी सेना को गाजा की धरती से पूरी तरह हटा लेंगे। लेकिन हमास की तरफ अपनाए गए सख्त रुख ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि रमजान से पहले सीज फायर के लिए अमेरिका ने कतर और मिस्र के साथ मिलकर हमास और इसराइल के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। इसी हफ्ते मुस्लिम समुदाय का पवित्र रमजान महीना शुरू होगा, लेकिन हमास के रुख के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई कि इसराइल की सेना गाजा में रमजान के महीने में भी हमले तेज कर सकती है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने आशा भोसले से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने मशहूर गायिका आशा भोसले से मुलाकात की। ये मुलाकात मुंबई में आशा भोसले की फोटोबायोग्राफी के विमोचन के मौके पर हुई। इस दौरान आशा भोसले ने एक गाना भी गाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मद्रास हाईकोर्ट ने डीएम के नेता और तमिलनाडु सरकार में